आज खास हो चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। गहलोत को कहें उनको यह संदेश है, अब पेपर लीक नहीं होगा और ना भ्रष्टाचार होगा। जैसे ही विधायक बने थे उनके सुर तो उसी दिन पलट गए थे, आज तो वो भजन भजन कर रहे हैं। मैंने दो दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था, सपने में भी आए मेरे को भाई साहब हमने की भजन लाल बने के मुख्यमंत्री। 24 में आएंगे मोदी, 400 सीट। अभी दो विधायक थे, अब मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल मुख्यमंत्री हो गए। विष्णु बन गया, मोहन बन गया, तो अब किसकी आवश्यकता थी भजन की? ये मोदी जी का ही फैक्टर है कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। आज वो इस जगह हैं तो उनकी मेहनत थी। अब वो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कह रहे थे भारी व्यक्ति, अब तो मुख्यमंत्री भी बन गए। मेरी बात सुनो, जैसे ही विधायक बने थे उनके सुर तो उसी दिन पलट गए थे, आज तो वो भजन भजन कर रहे हैं सांगानेर की। भजन हो रहा है पूरे सांगानेर में, नहीं पूरे राजस्थान में भजन हो रहा है। और हम तो ये बात कहते थे सांगानेर का एक लाल भजन लाल, आज वो जो लोग कहते थे कि 200 किलोमीटर दूर है, वो ये कह रहे हैं राजस्थान का एक लाल भजन लाल भजन लाल। हमसे पहले वो सुर मिला रहे हैं। और ये राजनीति में मदन लाल जी चैनी जो हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे, उन्होंने एक लाइन कही थी कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता और कोई स्थायी शत्रु नहीं होता। उन्होंने अपने सुर बदले, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए उनके आवास पर हम मौजूद हैं, जो उनका निवास स्थान है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ये क्यास कल से लगाए जा रहे थे, जब पहले देखा छत्तीसगढ़ में कौन, विष्णु, उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर जैसे हम मध्य प्रदेश में पहुँचे तो मोहन, तो फिर नाम ढूंढने लगे कि राजस्थान में कौन है। तो भजन तो हर एक का भजन होता है, भजन कीर्तन हर एक का होता है। मैंने दो दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था, पूछ लिया अभी राम प्रकाश है सांगानेर के, मैंने दो दिन रसगुल्ला बांट दिए थे, भजन लाल मुख्यमंत्री बने। क्यों? छत्तीसगढ़ से आंकड़ा लगा लिया था मैंने। आपने दो दिन पहले बांट दिए, अब इसलिए लगा छत्तीसगढ़ में मैंने चुना, जिसके चेयर टीवी पे नाम आया, जिसका नाम आ रहा था उनका नाम नहीं आने का, मैं समझ गया भजन लाल का नाम आएगा सांगानेर से। क्यों? संगठन का मंत्री तो मैंने इसलिए मैंने गलत लगाया। रात के सपने में भी आए मेरे को भाई साहब हमने की भजन लाल बने के मुख्यमंत्री, कल किया था मैंने। प्रदेश कार्यालय में भी कहा कि सपने में आए और हमें लगा कि बने, नहीं हकीकत मन की बात, मैंने हकीकत सवेरे बोला था, दो दिन पहले डिक्लेयर कर दी भाई साहब भजन लाल। समय दूंगा आपको, नाम बताइए पहले भाई साहब। पहले भाई साहब सुरेश चंद्र बिरला, कहाँ के रहने वाले? मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। कोल्हापुर के भाई इधर एडमिट है, मैं इधर आया हूँ। ये हॉस्पिटल? हाँ ऐसे जी, बताइए कुछ। नहीं ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्ल्ड में तो एक नंबर है ही है, इंडिया की जो सोचो ही मत। उन्होंने जो कार्यकर्ता को ऊपर उठाया है और नई पीढ़ी को एक जीवन दान दिया, समझ लो आगे भविष्य फ्यूचर बहुत बढ़िया है। और आगे 2024 के लोकसभा का विजन और हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे। 24 में आएंगे मोदी, 400 सीट, 400 सीट। आप महाराष्ट्र से आए हैं, जो सबसे लास्ट बैठक हुई थी वो INDIA एक गठबंधन बनाया है, UPA ही है वो, नाम बदला है, उसने मुंबई में ही की थी, वो उद्धव ठाकरे सुनेंगे नाराज। 19 में भी की, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो होने वाले नहीं है, सब चोर चोर मुसरे भाई है, सब इकट्ठे हो गए हैं भ्रष्टाचार करते। ये एक ही आदमी ऐसा है हिंदुस्तान का नाम, और हर परिवार को सबको दे रहे हैं, कुछ कुछ दे रहे हैं। युवा कार्यकर्ता भी कुछ आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? अरुण शर्मा हूँ मैं, नगर निगम में पार्षद हूँ, चेयरमैन हूँ ग्रेटर नगर निगम में। नगर निगम में पार्षद हैं, अच्छा ये बताइए पॉलिटिक्स में कब से? मैं 2015 से ही छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने छात्रों की सेवा की, उसके बाद में मैं संगठन से भी जुड़ा रहे? बिल्कुल जुड़ा रहा, विचार परिवार से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, अभी वर्तमान में पार्षद हूँ, चेयरमैन हूँ ग्रेटर नगर निगम। आप जैसों के लिए तो द्वार खुलते जा रहे हैं बीजेपी में, अब आगे आने वाले समय में कोई पता नहीं, यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो पूरा देखा जा रहा है कि 15-17 साल की उम्र में क्या करता था, कितना सक्रिय था, सब देखा जा रहा है। देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जहाँ कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को सिरमौर बना दिया जाता है, बाकी जो पार्टियाँ हैं वो केवल और केवल लूट और झूठ के अलावा कोई काम कर नहीं रही है, केवल और केवल सिंगल पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को, एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी रहेगी जो इस देश पर जनता की सेवा करेगी और नए विजन के साथ में नए नए आयाम स्थापित किए जाएगा। अच्छा देखिए ये निवास स्थान उनका है, जब यहाँ से वो जा रहे थे कि विधायक दल की बैठक है, सबको बुलाया गया और यहीं यहाँ पर उनका फ्लैट है, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको एक बार दिखाएंगे यहाँ पर, आपको अब वो पुलिस भी नजर आएगी, पुलिस का पहरा भी अब जो है वो यहाँ पर आ चुका है, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। सोचा था क्या विधायक के नाते जा रहे हैं? आज सुबह की बात बता रहा हूँ मैं,
आज सुबह भजन लाल जी भाई साहब के साथ मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद में भाई साहब ने स्नान किया। स्नान करते ही सीधे विधायक दल की बैठक में गए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भाई साहब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके विजन से, उनके नेतृत्व से उन्होंने कोयले में से जो एक पारस पत्थर निकाल लिया, तो वो हर कार्यकर्ताओं की वोच करते हैं, हर कार्यकर्ता की संभाल करते हैं, और वो आज हमें देखने को मिला है। राजस्थान का नव मुख्यमंत्री हमारे को मिला है भजन लाल जी के रूप में। वो सब कार्यकर्ताओं की संभाल करते हैं। सुबह मेरे साथ आज चाय पी उन्होंने, तो बहुत बड़ा चाय पी तो विधायक थे, अब मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल मुख्यमंत्री हो गई है। ये सौभाग्य रहा उनका कि मुझे मौका मिला उनके साथ में चाय पीने का, और आगे भी ऐसे कई मौके मिलेंगे। विधायक के अंतिम जाएगा। आपने एक बात कही कि विष्णु बन गया, मोहन बन गया, तो अब किसकी आवश्यकता थी? भजन की। तो हमारे मोदी धरती पे वीर पुरुष है, अवतार पुरुष है, तो उन्हें पता था कि जब दो भगवान का अवतार दो राज्यों में कर दिया, तो भजन ही शेष है, तो भजन को लाकर पूरे हिंदुस्तान में भजन करा दिया। बाहर 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 पुलिस की गाड़ी आना शुरू हो गई है। अब सोसाइटी, अब जो ये सोसाइटी थी, कल तक एक आम सोसाइटी थी, आज खास हो चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्या नाम हुआ? श्याम बिहारी शर्मा नाम है मेरा, और प्रताप नगर का रहने वाला हूँ, भाई साहब की विधानसभा में रहता हूँ, और मैं इतना खुश हूँ कि पहली साहब की मुख्यमंत्री जी, हाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी क्या है कि रूटीन में आदत है, संघ के स्वयंसेवक है, इसलिए भाई साहब नाम पहले आता है। संघ के स्वयंसेवक है, संघ तो तीनों राज्यों में यहाँ पर, जिसने संघ का जुड़ाव था, हमारी रूटीन प्रक्रिया है भाई साहब बोलना। अब भी मैं मिलूंगा तो भाई साहब ही कहूंगा, मुख्यमंत्री जी बाद में कहूंगा मैं, भाई साहब ही कहेंगे। हाँ रूटीन है, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते, संघ का स्वयंसेवक कभी भी नाराज नहीं होता। और ये मोदी जी का ही फैक्टर है कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज संभव है मोदी जी के राज में। अच्छा, अशोक गहलोत को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? वो अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे, क्या कर रही है बीजेपी आपस में, इतना जो है इनमें ये चला नहीं पाएंगे सरकार, क्या कहेंगे अशोक गहलोत को? कहेंगे उनको ये संदेश है, पेपर लीक नहीं होगा वरना भ्रष्टाचार होगा। देखिए सर, बीजेपी पार्टी है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में जो सब बीजेपी की पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक, मोदी जी भी कहते हैं, एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर ये पार्टी बनी है। कांग्रेस की तरह परिवारवाद की पार्टी नहीं है, एक एक कार्यकर्ता बीजेपी में महत्व रखता है। ये जो आपको कार्यकर्ता दिख रहे सब मुख्यमंत्री है, एक एक कार्यकर्ता देश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देगा, और भजन लाल जी भी इस प्रदेश के और राजस्थान के विकास के लिए अब से बहुत कर्मठ व्यक्ति है हमारे भजन लाल जी, और प्रदेश के विकास के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, युवाओं के जो पेपर लीक के जो प्रताड़ना मिल रही थी उसे खत्म करने के लिए भजन लाल जी नए मुख्यमंत्री बने, और विकास की जो धारा अब आएगी वो अमृत काल की एक अनोखी धारा है। एक मिनट, ये देखिए जो इन्होंने कहा, यहाँ पर कोई पता नहीं बीजेपी में, लास्ट में वो दरी बिछाने वाला, दरी उठाने वाला, वो कल को मुख्यमंत्री बन जाए, ये इसी पार्टी में हो सकता है, क्या कहेंगे आप? सर देखो, जिस आदमी ने 15 साल का इनका कार्यकाल माना जाता है, जिन्होंने सुबह उठ के जाना बीजेपी कार्यालय जाके सीधे घर आना, ये अगर 15 साल तक कोई आदमी कार्य करेगा किसी संगठन के लिए, और उसके बाद उसे देखो, जिसके भाग्य में लिखा होता है ना, उसे देर आया दुरुस्त आया जरूर मिलता है। तो आज उनका जो दिन आया है ना, आज वो इस जगह हैं, तो उनकी मेहनत थी, उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, और संगठन ने उसको देखा कि ये आदमी काम करने योग्य है नहीं है, तो इतना सब कुछ देखने के बाद ही संगठन इतने बड़े फैसले पे पहुंचता है। आपका क्या नाम है सर? रजनीकांत शर्मा। कहाँ के रहने वाले? भरतपुर के रहने वाले जी। भरतपुर में संगठन का काम किया है भाई साहब ने, है ना जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छे। कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताइए। भजन लाल जी शर्मा बहुत ही सरल एवं अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, और ये इनको जो जिम्मेदारी दी गई है इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्णता से निभाएंगे, और अपने राजस्थान के लिए एक रत्न प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपने बात सुनी, ये उनके निवास स्थान पर जो है लोग यहाँ पर पहुँचे, और ना ही केवल जयपुर के लोग हैं, ना ही केवल सांगानेर के लोग हैं, पूरे राजस्थान के लोग यहाँ पर पहुँचे, और आप वो माहौल यहाँ पर जो है देख सकते हैं। भजन लाल के नाम से जो है पूरी सोसाइटी गूंज उठी है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, देख सकते हैं यहाँ पर जोश वो सब में नज़र आ रहा है, कि जहाँ एक तरफ कहा जा रहा था कि वो बाहरी कैंडिडेट है,
और अब जो है मुख्यमंत्री बन करके जो है वो विरोधियों को चुप कराने का काम जो है वो यहाँ पर भजन लाल जी ने किया है।